हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू छायास किचन। आज मैं बनाऊंगी होममेड आइसक्रीम। बिना दूध के और बिना गैस के मैं आइसक्रीम बना रही हूँ, जो बिना झंझट के बार बार चन भी नहीं करना पड़ता, बार बार फ्रीजर में रखना भी नहीं पड़ता। एक बार बनाया और रख दिया और सुबह को वो आप सर्व कर सकते हैं। इसे मैं ओवरनाइट ही बनाती हूँ क्योंकि इसको 10 से 12 घंटे हमें फ्रीजर में रखना होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बनाते हैं होममेड आइसक्रीम। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं अपना आइसक्रीम बनाना। आइसक्रीम बनाने के लिए चाहिए हमें व्हिप क्रीम आती है, मैंने सिल्वर मार्क कंपनी की ली है, आप कोई भी ले सकते हैं, नॉन डेयरी प्रोडक्ट है ये। और हमें चाहिए मिल्क मेड, अमूल का मैंने मिठाई मेड लिया है, कंडेंस मिल्क मतलब वेनिला एसेंस लिया है मैंने, और मैंने जो कैरेमल बनाया है कैरेमल पाउडर। मैं बटरस्कॉच आइसक्रीम बना रही हूँ इसलिए मैंने ये कैरेमल पाउडर लिया है, और साथ ही में मैंने लिए है ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, किशमिश और थोड़ी टूटी फूटी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ये बाउल और ये बीटर के ये जो विंग्स आते हैं वो मैंने फ्रीज़र में रखे थे ठंडे होने के लिए, कूल होने के लिए। तब हम शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम व्हिप क्रीम लेंगे, ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ लिया है मैंने। तकरीबन 1 कप जितना लिया है, इसको मैं अच्छे से बीट करूंगी। इसको हम अच्छे से बीट करेंगे, ये इसको हमें नॉर्मल स्पीड पे तकरीबन 3 मिनट के लिए बीट करना है। 3 मिनट के बाद अब हम इसकी स्पीड थोड़ा हाई कर लेंगे। मेरे बीटर में टेम्परेचर दिया हुआ है, मैं 3rd पे कर लूँगी। और अब हम इसमें मिठाई मेड पॉर करेंगे। तकरीबन जितना हमने मिल्क वो व्हिप क्रीम लिया है उससे आधा हमें मिठाई मेड ऐड करना होता है। ये आप अपने स्वाद के मुजब हिसाब से कर सकते हैं। और मैं वेनिला एसेंस डालूंगी इसमें 1 ढक्कन जितना, जिससे कि वेनिला का फ्लेवर आएगा इसमें। और हम फिर से बीट करेंगे इसको। ये हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी है। अब हम इसमें ये कैरेमल डालेंगे। कैरेमल बहुत ही जल्दी जम जाता है, इसीलिए जब भी आपको आइसक्रीम बनाना हो, अगर आपने पहले से बना के रखा है मेरे जैसे, तो उसको एक बार मिक्सी में चला लीजिए ताकि उसके क्रम्बल्स ना रह जाए। आप जितना टेस्ट के हिसाब से चाहे उतना आप डाल सकते हैं। मैंने करीबन 3 से 4 चम्मच डाला हुआ है, और साथ में मैं सारे ड्राई फ्रूट्स और सब डाल दूंगी, थोड़े से रखूंगी मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए। और इसको हम स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। याद रखिए फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा घुमाना नहीं है, कट एंड फोल्ड की मेथड यूज़ करनी है इसमें, क्योंकि हमने व्हिप क्रीम यूज़ किया है, ये सारा बैठ जाएगा। अगर आप चाहें तो एक बार फिर से बीटर चला सकते हैं। अब ये हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी है। अब हम इसको आइसक्रीम के बाउल में, जिस बाउल में हमें सेट करना है उसमें निकाल लेंगे। मैंने ये प्लास्टिक का बाउल लिया है, आप कोई भी बाउल ले सकते हैं। ये आइसक्रीम इतना इजी है कि इसको भी आपको निकाल के चर्न करने की कोई भी प्रोसेस करनी नहीं है, बस इसको ऐसे ही रख देना है सेट होने के लिए। आप ओवरनाइट भी सेट होने के लिए रख सकते हैं, या तो फिर 10 to 12 hours आपको रखना होता है, तो इजी ज़्यादा यही पड़ेगा कि रात को बना के आप फ्रिज में रख दीजिए और सुबह या दोपहर को खाइए। बहुत ही सॉफ्ट यमी आइसक्रीम बनती है इसकी, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इसको बार बार चर्न नहीं करना पड़ता है। ये मैंने यहाँ पे आइसक्रीम रख दी है, और मैं ऊपर से इसको गार्निश करने के लिए ये ड्राई फ्रूट स्प्रेड कर दूंगी।
और थोड़ा सा कैरामल भी स्प्रिंकल कर दूंगी, जिससे कि इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है, यमी। देख के ही इसको खाने का मन हो जाता है। अब मैं इसको ढक्कन बंद करके 10 to 12 आवर्स के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारा ये आइसक्रीम रेडी हो गया है। मैंने इसे ओवरनाइट रखा था फ्रीजर में, तो अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाऊंगी। ये एकदम क्रीमी आइसक्रीम होता है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बटर स्कॉच आइसक्रीम रेडी है। हमारा आइसक्रीम सर्व होके रेडी है। बिना झंझट के बहुत ही जल्दी आप बना सकते हैं ये आइसक्रीम, जिसे बार बार चर्व करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये एकदम होममेड है, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये हेल्दी है क्योंकि ये हमने घर पे बनाया हुआ है, कोई एक्स्ट्रा चीजें हमने मिलाई नहीं है, सिर्फ दो चीजों से बहुत ही जल्दी बन जाता है। बिना गैस के, बिना दूध के ये आइसक्रीम बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब आप इंजॉय कीजिए, ये बहुत ही लाजवाब आइसक्रीम है। ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे रिव्यू भी दीजिएगा। थैंक यू, एंजॉय।